देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये है क्वेश्चन, इसमें ये फॉर्मूला लगने वाला है। तो इसको लगाने के लिए हम लोग को चाहिए होगा माइनस टू। यहां पे अगर हम लोग लिख दें माइनस टू साइन फोर एक्स साइन एट एक्स डी एक्स, तो यहां पे हम लोग को नेगेटिव वन बाई टू लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, नेगेटिव नेगेटिव और टू को हटाने के लिए। तो ये वन बाई टू तो एज इट इज रखेंगे, ये वाला पूरा कंप्लीटली इसके साथ आ जाएगा। तो यानी कि इसको लिख देंगे कॉस दिस प्लस दिस, एंगल को एड कर देंगे तो 12x हो जाएगा, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर लिखाएगा कॉस और इन दोनों का माइनस, यानी कि 4x वो भी नेगेटिव में आएगा। अब इसके बाद नेगेटिव हाफ, इसको पहले माइनस वाला को हटाते हैं और dx को एक साथ करते हैं, तो ये हाफ को जो है सबके साथ लिख देंगे कॉस 12x dx, ये हाफ इसके पास जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ इंटीग्रेशन कॉस, ये नेगेटिव 4x था उसका सिर्फ और सिर्फ 4x होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग को पता है cos नेगेटिव x अगर लिखा रहेगा तो लिखते हैं cos x, ठीक है। तो फिलहाल ये कितना हो रहा है, नेगेटिव हाफ। अच्छा, नेगेटिव हाफ को बाहर ही रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। cos का क्या होगा, sin, sin 12x बाय में 12, ये क्या है प्लस, ये कितना है हाफ, हाफ को तो बाहर निकाल दिए, और माइनस साइन के साथ बाहर निकाल रहे हैं तो यहां पर माइनस का साइन रहने देंगे, माइनस cos, cos को साइन लिख देंगे, ठीक है, साइन 4x बाई 4, ये cos हट जाएगा यहां से, cos का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा c लग जाएगा। मन है तो ये वाला माइनस को अंदर करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस में चेंज हो जाएगा, या फिर बाहर रखना है तो दोनों में से जो काम करना है कर सकते हैं। तो ये फाइनल आंसर होगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 का।